press the subscribe button to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video updates. Let's do question number 6 of exercise 11A, that is compound interest. Question number 6 is, Manoj deposited a sum of rupees 64,000, principal is 64,000, in a post office for 3 years. Time is 3 years, right friends? Compounded annually at rate of 7.5%, 7 whole 1 upon 2%. फ्रेंड इसको क्या लिख सकते हैं, 2 7 14 प्लस 1 15 अपॉन 2%, और कुछ लोग 7.5% भी लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट फ्रेंड्स? नाउ अब हमें व्हाट अमाउंट विल ही गेट ऑन मेच्योरिटी, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालेंगे, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो P कितना था 64,000, R कितना है 15 अपॉन 2 इंटू 100, और टाइम है 1, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हुई, 2 1 2 2 3 6 2 एंड 0, तो ये कितना आ गया 320 इंटू 15, दैट मीन्स 0, 15 2 30, 15 3 45 46 47 एंड 48. तो अमाउंट एट द एंड इक्वल्स टू 64,000 प्लस 4800, दैट मीन्स 6880, राइट फ्रेंड्स? नाउ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का निकालेंगे, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट इक्वल्स टू P into R into T upon 100. तो P कितना हो गया 68800, R is 15 upon 2 into 100, into time is 1, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हुए, 3 1s are 3 2 1s are 2 2 3s are 6 4 and 4, that means 344 into 15, कितना है ये 344 को 15 से कहते हैं, 5 4s are 20 22 15 16 17 4 4 3, तो ये कितना आ गया 0 6 11 carry 1 and 5 5 1 6 0, अमाउंट कितना हो गया एट द एंड इज 6880 प्लस 5 1 6 0, तो ये आ गया 60 एज इट इज 9 13 carry 1 and 7. थर्ड ईयर का देखेंगे अब, थर्ड ईयर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट फ्रेंड्स? तो पी कितना हो गया अब हमारा, पी इज 7 3 9 6 0 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 100 इंटू 1, राइट फ्रेंड्स? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 5 3s are 15 5 2s are 10 2 1s are 2 2 3s are 6 2 6s are 12 2 9s are 18 2 8s are 16, अगेन 2 1s are 2 2 8s are 16 2 4s are 8 2 9s are 18, तो आ गया 1 8 4 9 इंटू 3, 3 9s are 27 12 13 14, 3 8s are 24 25 3 1s are 3 4 5, तो हमारा अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट इज 7 3 9 6 0 प्लस 5 5 4 7, तो कितना आ गया हमारा 7 0 carry 1 10 15 carry 1 8 and 9 and 7 is the answer. Let's do question number 7th of exercise 11A, that is compound interest. Question number 7th is, Divakaran deposited a sum of rupees, principal de rakha hai hame 6250, in Allahabad bank for 1 year. Time de rakha hai hame, kitna de rakha hai time, time is 1 year,
right friends, compounded half yearly at 4% per annum. Rate दे रखा है हमें 8% per annum, right friends? 8% दे रखा है. What find the compound interest he get? Friends, half yearly दे रखा है at हमें आधे आधे साल का निकालना पड़ेगा compound interest. तो first half year का निकालेंगे, first half year. इंटरेस्ट कितना आया वो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही गेट. इंटरेस्ट कितना आया पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू 6250 इंटू 8% 8% फ्रेंड्स पर एनम है. तो हाफ ईयरली करने के लिए हम आधा साल हाफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली का निकाल रहे हैं हम. 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 2 1 से 2 2 4 8 4 2 8 5 10 5 1 5 5 1 5 5 2 10 5 5 25. तो ये आ गया 125 इंटू 2 दैट इज 250. अमाउंट कितना आया हमारा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल दैट इज 6250 प्लस 250 दैट मीन्स 6500 हो गया, राइट फ्रेंड्स. नाउ सेकेंड हाफ ईयर का कितना आया इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. पी कितना हो गया 6500, आर इज 8% एंड टाइम इज हाफ ईयरली. दो जीरो कट गई, 2 1 से 2 2 4 से 8 तो ये कितना आ गया 65 इंटू 4 5 4 20 24 25 26. अमाउंट कितना आ गया हमारा, अमाउंट इज 6500 प्लस 260 तो ये आ गया 6760. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 67 जो हमें एंड ऑफ द ईयर मिला है उसमें से हम प्रिंसिपल लेस कर देंगे. तो ये हमारा कितना आ गया 510 इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 11A दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 8 इज माइकल बोरोड रुपीज, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 16,000, राइट फ्रेंड्स. फॉर अ फाइनेंस कंपनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट विल ही विल डिस्चार्ज हिज डेब्ट आफ्टर 1.5 years. तो टाइम कितना दे रखा है हमें, 1 whole 1/2 years, डेढ़ साल, राइट फ्रेंड्स. तो फर्स्ट हाफ ईयर का निकालेंगे हम, क्योंकि वो कह रहे हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो फर्स्ट हाफ ईयर का निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, लेट्स सी. इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो पी आ गया 16,000, आर आ गया 10% और टी आ गया हाफ ईयरली, राइट फ्रेंड्स. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 1 से 2 2 8 16 and 0 तो कितना आ गया 800 आ गया. अमाउंट क्या आ गया, अमाउंट इक्वल्स टू 16,000 प्लस 800 तो ये आ गया 16,800, राइट. नाउ सेकेंड हाफ ईयर इंटरेस्ट क्या हो गया, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो पी कितना हो गया हमारा 1 6 8 00, आर कितना हो गया 10% और हाफ ईयरली, हाफ ईयरली फिर से निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 1 से 2 2 8 16 2 4 8 तो ये कितना आ गया 840. अमाउंट कितना आ गया हमारा, अमाउंट इक्वल्स टू 1 6 8 00 प्लस 840 तो ये आ गया हमारा 40 16 7 1. नाउ थर्ड हाफ ईयरली, थर्ड हाफ ईयरली निकालेंगे,
interest. Interest equals to P into R into T upon 100. P kitna hai? 17640. R kitna hai? 10% or half yearly. Right friends? Do zero, ek zero ye wali, ek zero ye wali. 2 ones are 2. 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 2s are 4. So, ye kitna aa gaya? 882. To amount at the end of the year kitna ho gaya? Principal, that is 17640 plus 882. So, ye kitna aa gaya? 2 12 carry 1, 14 15 carry 1, 8 and 1 is the answer. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.